व्हाट इज अप गाइस, एंड यू वाचिंग रवि ऑन डिमांड। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्मार्टफोन के हार्ट बीट के बारे में। नहीं, मैं कोई रैम या फिर प्रोसेसर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात करने वाला हूं स्मार्टफोन के कैमरे के बारे में। मतलब अभी के टाइम पे मार्केट में कौन सा फोन बिकेगा या फिर नहीं बिकेगा, ये उसका कैमरा डिसाइड करता है, ना कि उसका प्राइस पॉइंट। और आप भी जब एक फ़ोन को बाय करने की सोचते हो या फिर फ़ोन बाय करने जाते हो, तो आप भी उसका कैमरे को प्रायोरिटी देते हो, या फिर मैं बोलूँ कैमरे को ज़्यादा ध्यान रखते हो कि कौन सा अच्छा कैमरा रहेगा, और वही फ़ोन बाय करते हो। तो यही भी आप बच्चों वाली हरकतें करते होते हो और आप अपना एक अच्छा कैमरा स्मार्टफोन मिस कर देते हो। मुझे मालूम है कि आप बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप गलती कर देते हो बच्चों वाली। सो इस वीडियो को अगर आप कम्प्लीटली देख लेते हो, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगली बार आप जो भी फ़ोन परचेस करोगे, वो एक अच्छा कैमरे वाला फ़ोन होगा। बहुत लोगों को लगता है कि जितना ज़्यादा मेगापिक्सल होगा, उतनी अच्छी वीडियो क्वालिटी या फिर फोटो की क्वालिटी आएगी, लेकिन आप यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। सो मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, डायरेक्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। देखो, जैसे कि मैंने अभी कहा कि यहाँ पे मेगापिक्सल हर बार मैटर नहीं करता एक अच्छा फोटो या फिर वीडियो की क्वालिटी के लिए, तो आखिर जो सेकंड पॉइंट है वो क्या है, चलिए जानते हैं। अब देखो, जैसे कि आपको मालूम है कि हर एक मोबाइल में जो कैमरे होते हैं उसके अंदर सेंसर लगे होते हैं। जो स्मार्टफोन के कैमरे होते हैं वो सेंसर के हिसाब से काम करते हैं। जिसका जितना अच्छा सेंसर होगा, उतना फोटो या फिर वीडियो की क्वालिटी आपको आ जाती है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ सोनी के सेंसर्स के बारे में, जो आपको स्मार्टफोन में देखने मिल जाती है। आप देखो, इस वीडियो में मैं आपको कोई मोबाइल का मॉडल नहीं बताने वाला हूँ जिसमें वो सोनी के सेंसर यूज़ हुए। मैं आपको थोड़ी सी सोनी के सेंसर्स के बारे में बता दूंगा, जिसके बाद आप खुद डिसाइड करोगे कि ये जो मोबाइल है वो मेरे लिए है या नहीं। तो चलिए बात करते हैं सोनी के IMX सेंसर्स के बारे में। देखो, यहाँ पे जो सोनी का IMX सेंसर्स है, ये बहुत ही ज़्यादा रेवोल्यूशनरी इमेज या फिर वीडियोस के लिए बनाया गया है। अब देखो, ये जो सेंसर होते हैं, अब देखो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि हर एक मोबाइल में अलग अलग सेंसर यूज़ किए जाते हैं, तो इसमें से एक सोनी का भी सेंसर आ जाता है जो मोबाइल में यूज़ किए जाते हैं। अलग अलग मॉडल्स में, हाई एंड में भी यूज़ किए जाते हैं, मिड रेंज में भी यूज़ किए जाते हैं, जिसमें आपको एक अच्छा वीडियो या फिर फोटोज़ के क्वालिटी देखने मिल जाते हैं। और सोनी के सेंसर लो लाइट में भी बहुत ही अच्छा काम करता है। फ्रेंड्स, अगर आप न्यू फ़ोन बाय करने का सोच रहे हो और स्पेसिफिकेशन आप पढ़ते हो और वहाँ पे सोनी का सेंसर मेंशन है, तो भाई आँख बंद करके वो फ़ोन ले लो। सच में, रुक, वापिस आओ। सो यहाँ पे पहले वीडियो क्लियर करो। देखो, सोनी के जो सेंसर होते हैं उसमें सोनी का सेंसर IMX मेंशन होगा, साथ ही साथ उसके बगल में कुछ नंबर भी मेंशन होंगे, जिसके बाद आपको मालूम पड़ेगा वो कितना अच्छा रेंज वाला फ़ोन है। मतलब भाई, एक हाई एंड मोबाइल में थोड़े अच्छे नंबरों के साथ आएगा। मतलब आप समझ ही गए होंगे मेरा कहने का मतलब क्या। अब देखो, जो सोनी का IMX सेंसर है, इसके बारे में इंटरनेट पर बहुत ही ज़्यादा चर्चा है, इसके बारे में बहुत कुछ बताया गया है, लेकिन ये बता के मैं वीडियो में आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। आप चाहिए तो दूसरी वीडियो भी देख लो जो सिर्फ सोनी के सेंसर्स के बारे में बता रही है, और आप एक अच्छा फ़ोन लेने के लिए रेडी हो गए हो। सो मैं ये नहीं कहना चाहता कि जो सोनी का IMX सेंसर है वही सबसे बेस्ट है, मैं इसलिए आपको ये वाला सेंसर का नाम बता रहा हूँ क्योंकि मैं इसे यूज़ किया हूँ। मुझे मालूम है कि थोड़ा वीडियो या फिर फोटो क्वालिटी बहुत ही अच्छा बेटर आता है, और आपको फाइंड करने में दिक्कत ना हो, इसलिए मैंने ये वाले सेंसर का नाम ले लिया। तो अगली बार आप जब कोई भी फ़ोन बाय करने जा रहे हो, स्पेसिफिकेशन पढ़ लो, सेंसर मेंशनड है, तो भाई ये फ़ोन की तरफ आप जा सकते हो। और होप करते हो कि मेरे जितने भी व्यूअर बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है, और आप समझ गए होगे कि मैं इस वीडियो का क्या मतलब था और इस वीडियो का जो हार्ट बीट था वो क्या था। तो जैसे कि मैंने बताया, सोनी का IMX सेंसर, ट्रबल नहीं होगा आपको उसको ढूंढने में। आप जब स्पेसिफिकेशन पढ़ोगे कोई भी फ़ोन लेते समय, तो अगर इसमें मेंशन है एक अच्छा हाई एंड मोबाइल ले रहे हो वीडियोग्राफी फोटोग्राफी के लिए, और आपको वैसा कैमरा ना मिले, तो आप इसकी और ज़रूर देखना। और देखना चाहिए तो आप चेक भी कर सकते हो YouTube पे लिख के कि जो सोनी के IMX सेंसर वाले फ़ोन कौन कौन से, उसमें से आपको कौन सा भी फ़ोन पसंद आएगा तो आप ले लेना। हाँ, उसमें रैम प्रोसेसर जो भी आपको पसंद आएगा वो देख के ज़रूर ले लेना। और होप करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा, और आपको ऐसी वीडियो बहुत सारी मिलती रहेगी। तब तक के लिए बाय बाय। रुक, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना।